नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनी गुरु में। मैं हूँ स्वाति रायना। हम में से ज्यादातर लोग एक से दो बार साल में छुट्टियां मनाने तो जाते ही होंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि छुट्टियां जाते वक्त हम शायद एक बात का ध्यान नहीं देते हैं। पैकिंग तो कर ली, कहाँ पर जाना है, वहां पर क्या तैयारी करनी है, ये तो पता चल गया, लेकिन हाँ, ट्रैवल इंश्योरेंस लिया, इस पर कभी कोई आप शायद ध्यान नहीं देते होंगे। लेकिन आपको बताएं कि ट्रैवल इंश्योरेंस के ढेरों फायदे हैं, उसमें क्या कवर होता है, कैसे आप इसको क्लेम कर सकते हैं, कैसा प्रीमियम होता है, और खास तौर पर यात्रा के दौरान अगर किसी तरीके की कोई परेशानी हो जाती है तो ट्रैवल इंश्योरेंस से कैसे आप इससे बच सकते हैं, इसको कैसे क्लेम कर सकते हैं, इन्हीं फायदों के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं मनी गुरु के आज के इस बेहद ही खास एपिसोड में। और हमारे साथ जो आज खास मेहमान जुड़े हैं वो हैं माय इंश्योरेंस क्लब के दीपक योहानन। दीपक, आपका बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के स्पेशल शो में। ट्रैवल और ट्रैवलिंग, आजकल गर्मियों का मौसम और कई लोग बस तैयारी में है कि हाँ क्यों ना जाए छुट्टियां मनाने के लिए, और अब जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए जाने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए जरा बताइए क्यों उन्हें लेना चाहिए एक अच्छा ट्रैवल इंश्योरेंस। अगर आप एक हॉलिडे पे जा रहे हो, खासकर आउटसाइड इंडिया, आपको फेमिलियर जगह नहीं है, आप एक टूरिस्ट की तरह जा रहे हो, कोई पहचान वाले नहीं है, कोई ऐसा है नहीं जिससे आप इमीडिएटली पैसे मांग सकते हो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, एंड एक हैप्पी ओकेजन के लिए जा रहे हो, और टिपिकली आप जब इंडिया से बाहर जा रहे हो और अगर फैमिली के साथ है, अकेले भी जा रहे हो, तो थोड़ा एक्सपेंसिव ट्रिप रहता है, और ये जरूरी है कि आप एक छोटा अमाउंट दे के काफी सिक्योरिटी पा सकते हो। मतलब अगर आप इंडिया के बाहर अगर हॉस्पिटल में अगर एडमिट करना पड़ेगा, मतलब इट कुड बी छोटा इंजरी है या कोई एक्सीडेंट हो गया, आप यू नो पूल में गिर गए, कुछ हो गया, स्लिप कर गए, पैर टूट गया, मोचा आ गया, हॉस्पिटल जाना पड़े, तो काफी एक्सपेंसिव हो सकता है। आप मान लीजिए सिंगापुर में जा रहे हो और एक यू नो हैप्पी मोमेंट है फैमिली के साथ, अगर आपको कोई भी अगर गिर जाए और आप हॉस्पिटल में एडमिट करें, तो शायद आपका क्रेडिट कार्ड भी काम ना आए, क्योंकि हो सकता है कि आपके लिमिट्स से ज्यादा के खर्चे आ जाए, और आप 2500 से 3000 रुपए दे के एक अच्छा कवर ले सकते हो। तो मेरे हिसाब से वो काफी सेंसिबल एक्शन है। बहुत सारे प्रोटेक्शंस हैं, सारे मेडिकल एक्सपेंसेस कवर्ड होते हैं, पर्सनल एक्सीडेंट कवर होता है, कुछ अगर आपने किसी और को इंजरी कॉज कर दिया थर्ड पार्टी, तो एक पर्सनल लायबिलिटी कवर है, ट्रिप डिले का कवर है, फ्लाइट कैंसिलेशन का कवर है, ये सब आपको ये 2500 रुपए में 4 जन के लिए मिल सकता है फॉर अ 10-day ट्रिप। ओके, तो मेरे हिसाब से आपको लेना चाहिए क्योंकि बहुत ही सस्ते में एक अच्छा कवर मिल रहा है। मतलब बहुत सारे यहाँ पर कवर है जो कि आप ले सकते हैं, निजी दुर्घटना हो गई या बहुत सारे ऐसी परेशानियां हो जाती है, कई बार डॉक्यूमेंट्स खो जाते हैं दीपक, हम कहीं पर बाहर घूमने गए और या तो चोरी हो गया पासपोर्ट खो जाते हैं, पानी में गिर गया, या फिर कहीं पर रखकर भूल गए। करेक्ट। अब कहीं बाहर वाली कंट्री में है, पासपोर्ट के बगैर क्या करेंगे, तो क्या कवर्ड है इसमें? करेक्ट, तो उसके लिए भी एक कॉम्पनसेशन मिलता है। हालांकि अगर पासपोर्ट खो जाए तो मॉनेटरी लॉस तो नहीं है, मगर फिर भी आपको एक सपोर्ट मिल जाता है कि हो सकता है $500 आपको दिए जाएंगे एज अ कॉम्पनसेशन फॉर द हेडेक या रनिंग अराउंड जो आपको अलग से करना पड़ेगा। तो वैसे बेनिफिट्स हैं, और एज आई सेड कि ये सब ये 2500 रुपए में एक साथ कवर हो जाते हैं, बट बिगेस्ट बेनिफिट ऑफ कोर्स इज द फैक्ट दैट आपको मेडिकल बेनिफिट्स मिलते हैं। ओके, अब जैसे बाहर की कंट्री में घूमने गए, एक जैसे मेरे जानकार हैं बाहर की कंट्री में जाकर, जैसे इंडोनेशिया हो गया, मैं अलग अलग थोड़ा कंट्री स्पेसिफिक्स भी आपसे बात करूंगी, वहां पर एक्सीडेंट हो गया, अब वहां पर जो पूरा खर्चा है पूरे इंजरी का या फिर ठीक होने का, वो क्लेम किया जा सकता है पूरा, और पूरा कब तक उसमें मतलब वापस इंडिया आने पर वो क्लेम कर सकते हैं, या वहीं के वहीं वो सेटल मामला हो जाता है? नहीं, तो आपको एक नंबर दिया जाता है जिस पे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और ये लोकल नेसेसरी नहीं है कि इंडिया के इंश्योरेंस कंपनी ही इसको मैनेज करेंगे, वो ग्लोबल एजेंसीज हैं जिसके साथ इंश्योरेंस कंपनी टाइड अप रहते हैं, इसीलिए ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड इंश्योरेंस कंपनीज आपको कवर करते हैं, एक्सेप्ट फॉर सम वेरी हाई रिस्क
कंट्रीज, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे कंट्रीज में कवर किए जाते हैं। तो आप एक टोल फ्री नंबर पे कॉल करें और अपना क्लेम रजिस्टर करें, पॉलिसी नंबर बताएं और वो ही आपको मदद कर देंगे। यू विल नॉट हैव टू पे आउट ऑफ योर पॉकेट, क्योंकि इट इज़ नॉट एक्सपेक्टेड कि आप इतने सारे डॉलर्स या उस लोकल करेंसी में पे आप कैरी ऑन करोगे। वो इंश्योरेंस कंपनी कोऑर्डिनेट करके हॉस्पिटल के साथ भर दिया जाता है। यूजुअली हर एक बेनिफिट के साथ एक छोटा सा डिडक्टेबल होता है। इन द सेंस, अगर 50,000 का मेडिकल, 50,000 यूएस डॉलर का मेडिकल बेनिफिट है, तो हो सकता है एक $100 का एक डिडक्टेबल है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी एक क्लेम आप करते हो तो $100 तक आपको भरना पड़ेगा। ये बेसिकली छोटे मोटे चीजों के लिए आप क्लेम ना करें, उसके लिए डाला जाता है। कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के लिए जाते हैं, एक तो सैर सपाटा हो गया, एक है पढ़ाई के लिए या फिर बिजनेस ट्रिप, उसमें ट्रैवल इंश्योरेंस का क्या अलग सिस्टम है? तो बिजनेस और लीजर प्रिटी मच सेम है। स्टूडेंट ट्रैवल थोड़ा और अलग है, क्योंकि काफी यूनिवर्सिटीज इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, क्योंकि अगर एक स्टूडेंट यहां से लोन लेके जा रहा है और लॉन्गर पीरियड के लिए ले रहा है, 1 साल 18 महीने या 6 महीने तक, तब यू नो बिजनेस और लीजर ट्रैवल जो होता है 10 दिन 15 दिन का होता है। मगर स्टूडेंट ट्रैवल थोड़ा अलग प्लान होता है, क्योंकि आपका लेंथ ऑफ ड्यूरेशन ऑफ स्टे काफी ज्यादा होता है, तो उसका हैंडलिंग अलग है। सम कंट्रीज, सम यूनिवर्सिटीज ये भी स्पेसिफाई करेंगे कि आप कौन कौन से इंश्योरेंस कंपनी से ले सकते हैं, तो वो थोड़ा अलग सा ही मतलब प्लान होता है। बट लीजर एंड बिजनेस जो शॉर्ट ट्रिप्स होते हैं वो प्रीटी मच स्टैंडर्ड प्लान्स होते हैं। ओके, तो मतलब बेसिकली ट्रैवल इंश्योरेंस के भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं जो कि हम बता रहे हैं। कुछ और चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर से भी बात कर लेते हैं। दीपक जो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, महेंद्र जी इस वक्त हमारे साथ हैं अपने सवाल के साथ लाइव। महेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप। हाँ जी मैडम, मेरी उम्र 55 साल है, आज तक मैंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया है। उसका कारण क्या है? एक तो मार्केट में इतनी ज्यादा ब्रांड है, जैसे स्टार है, ओरिएंटल है, अपोलो है, मतलब वी आर टोटली कंफ्यूज्ड। वही कौन सा ले क्या ले, फिर पॉलिसी के अमाउंट का जो है वो कंफ्यूजन है, हर कंपनी के अलग अलग पॉलिसी अमाउंट है। थर्ड में मैडम मुझे डर है, जैसे एक एज होते ना, वो एज फैक्टर में मुझे वे LIC की तो कोई बात नहीं है, LIC का गया चलो कोई बात नहीं, LIC करा लिया निश्चित हो गए। हेल्थ इंश्योरेंस में एक मुझे डर है कि अगर जरूरत नहीं भी है तो मुझे हॉस्पिटल वाले इंश्योरेंस की रकम लेने के लिए मुझे काट पीट कर यानी जबरदस्ती ऑपरेशन कर देंगे। अच्छा, आप क्या काम करते हैं सर? मेरा बिजनेस है मैडम, आई एम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्वालिटी सेंटर। ओके ओके, बिजनेस करते हैं, मतलब 55 साल की उम्र में कोई इंश्योरेंस नहीं, और कई इन्होंने इसके रीजन भी गिना दिए। दीपक अब क्या कहेंगे, 55 साल की उम्र में अभी भी हेल्थ इंश्योरेंस ले, और जरा इन्हें बताइए कि जो इनकी दुविधा है इनको दूर करने के लिए क्या करें। तो बिल्कुल लेना चाहिए, अगर गुड हेल्थ में है तो इनको आराम से मिल सकते। काफी प्लान्स हैं जैसे इन्होंने ही कहा कि इतने हैं कि थोड़े कंफ्यूजिंग है, बट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान्स के लिए जाए, जिस ब्रांड के साथ ये कंफर्टेबल हो उसी ब्रांड के साथ जाए। और कुछ जब हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो ध्यान रखा जाए कि सब लिमिट्स जिसमें ना हो वैसे प्लान्स लें, कि रूम रेंट में कोई कैपिंग ना हो, यू नो वैसे। और इनको तो कोपे रहेगा क्योंकि 55 इयर्स के हैं, तो मोस्ट प्लान्स में इनको एक छोटा कोपेमेंट क्लॉज देना होगा, मगर अदरवाइज चेक कि प्लान में सब लिमिट्स ना हो, और कोई भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं जो इनको पसंद हो। यू नो HDFC है, HDFC अर्गो है, ICICI लोम्बार्ड है, जैसे इन्होंने कहा स्टार हेल्थ है, मैक्स बुपा है, अपोलो है, कोई भी ब्रांड के साथ जो ये कंफर्टेबल हो उसमें जाएं। एक ही चीज है, अगर इनके पास कोई एग्जिस्टिंग इलनेस हो तो वो डिक्लेयर करें उसको। ये मत समझ के रखिएगा कि आप डिक्लेयर नहीं करेंगे तो आपके प्रीमियम कम हो जाएगा या शायद पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगा। सो इट इज बेटर टू ऑलवेज डिक्लेयर एवरीथिंग करेक्टली, सो दैट आपके पास जब क्लेम करने का वक्त आता है तो आपको डेफिनेटली क्लेम पास होगा। अगर आप अपने कुछ भी इलनेसेस को छिपा के रखते हैं तो क्लेम के टाइम में प्रॉब्लम होगा आपको।
ओके अगला और सवाल जी। इनका लास्ट सवाल जो था कि हॉस्पिटल वाले गो ऑन स्मॉल थिंग स्वाति कि हॉस्पिटल वाले इनको काट पीट देंगे, ऐसा नहीं होता है। जनरल ये एक बिलीफ होता है कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस कंपनीज बिल्स को इन्फ्लेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर इंश्योरेंस है तो आप पे एक्स्ट्रा सर्जरी किया जाएगा। और एनीवे ये प्रिकॉशन आपको लेना ही चाहिए अगर आपके पास इंश्योरेंस हो या ना हो, सेकेंड ओपिनियन ले, विच काफी इंश्योरेंस कंपनीज एज अ फ्री सर्विस ऑफर करते हैं अपने पॉलिसी में। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। शैलेश जी हमने आनंद गुजरात से सवाल पूछ रहे हैं, उनका सवाल यह है कि 50 साल इनकी उम्र है और इनकी पत्नी की उम्र 49 साल है, अब ये एक हेल्थ इंश्योरेंस अपने परिवार के लिए लेना चाहते हैं, कैसी पॉलिसी इनके लिए अच्छी रहेगी? बताइए दीपक, इनके सिनेरियो में क्या करें? तो जनरली अगर 50 साल के पास अगर आप पहुंच चुके हो तो मैं रेकमेंड करूंगा कि दो इंडिविजुअल प्लान्स लें और एक फैमिली फ्लोटर ना लें। आप जब 50 के पास होते हो तो चांसेस ऑफ इलनेस काफी हाई हो जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक क्लेम करें तो नो क्लेम बोनस पूरा प्लान में इंपैक्ट हो जाएगा। दोनों का अलग अलग है तो चांसेस ऑफ इंपैक्ट आर लेस। तो बेनिफिशियल एंड रिकमेंडेड यही है कि दो इंडिविजुअल प्लान ले, थोड़ा प्रीमियम बढ़ जाएगा इस सिनारियो में, बट इफ दे कैन अफोर्ड इट तो दो अलग अलग इंडिविजुअल प्लान ले। और जैसे मैंने कहा कि चेक करें कि ट्रीटमेंट कॉस्ट में कोई लिमिट ना हो, अगर उतना आप ध्यान रखते हो तो बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में आपके लिए। ओके, इनफैक्ट एक ट्रैवल इंश्योरेंस से ही जुड़ा हुआ सवाल हमारे पास है दीपक। ये कह रहे हैं कि 10 दिन के लिए सिंगापुर घूमने का प्लान है और पति पत्नी और दो बच्चों का ट्रैवल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है इस केस में कितना होगा? अगर जो मेल मेंबर है उनकी उम्र 35 साल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति से ही प्रीमियम तय होता है, तो कुछ अच्छे प्लान्स के बारे में जानना चाह रहे हैं। तो अगेन ऑलमोस्ट सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जो स्पेशलाइज्ड है वो ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान्स ऑफर करते हैं, और एक $50,000 का कवर आपको फॉर अ मेंबर ऑफ फॉर अ फैमिली साइज ऑफ 4 जिसमें एल्डेस्ट मेंबर 35 इयर्स है और आप 10 दिन के लिए ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 1800 से 2500 के बीच में अच्छे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो स्क्रीन पे आपको दिखाए जाएंगे HDFC अर्गो के प्लान्स हैं, ICICI लोम्बार्ड के हैं और इफको टोक्यो, वन मोर ऑप्शन विच इज डिस्प्लेड टू यू। तो आप देखिए 10 दिन का ट्रैवल के लिए 4 लोगों का कवर है और आपको 1800 से 2200 या 2500 रुपए में ये कवर मिल जा रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको ले लेना चाहिए। दीपक, कई बार तो ऐसा भी होता है कि अचानक से जो ट्रैवल की ड्यूरेशन है वो बढ़ जाता है, तो ऐसे में आई अज्यूम ट्रैवल इंश्योरेंस का टाइम भी बढ़ जाता है, लेकिन अगर बीच में ही यात्रा को कम करना पड़े तो क्या ऐसे केस में प्रीमियम वापस मिल सकता है? तो जनरली आपको अगर चाहे तो कर सकते हैं, बट एक डिफाइंड पीरियड होता है जिसके बीच में, अगर 10 दिन का हो तो आई डोंट थिंक आपको कुछ खास बेनिफिट्स हैं, और आपको एक्सटेंड करना तो वो आप कर सकते हैं कि ऑनलाइन ही आप वहां बैठे बैठे अपने पॉलिसी का नंबर डालें और बोले कि मुझे और 10 दिन के लिए चाहिए, तो आप एक्स्ट्रा प्रीमियम करके आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। बट आप 10 दिन का कर रहे हो, 7 दिन में वापस आ गया, तो आई डोंट थिंक देयर इज अ स्कोप फॉर रिफंड, बट थियोरेटिकली देयर इज एन अपॉर्चुनिटी। ये तो फैमिली की बात हुई, अकेले घूमने जा रहे हैं तो पर्सनल इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो लगभग कितना बैठता है? आप अगर यही सेम कवर 10 दिन के लिए आप सिंगापुर जा रहे हो, 35 ईयर ओल्ड पर्सन, तो आपको $50,000 600 रुपए से लेके 700-800 रुपए में ये तीन कंपनीज के ऑप्शंस है, HDFC अर्गो, ICICI लोम्बार्ड और इफको टोक्यो। आपको स्क्रीन पे प्रीमियम्स भी शायद दिख जाएंगे, 600 रुपए से लेके 800 रुपए में सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, विच इज अगेन वेरी वेरी नॉमिनल। ऑल राइट। कई बार ऐसा भी होता है दीपक कि कई बार अचानक से घूमने का प्लान बन गया, मतलब आपने बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग नहीं की है, चलो इस वीकेंड में चलिए घूमने चलते हैं, ज्यादा एक दिन का ही टाइम बाकी है, तो ऑनलाइन अच्छा सस्ता टिकाऊ ट्रैवल इंश्योरेंस मिल जाएगा।
तो आप ये प्लेन में टेक ऑफ करते हुए भी करवा सकते हो. दी ओनली रूल इज आप ऑनलाइन बिल्कुल खरीद सकते हो. दी ओनली रूल इज एट द टाइम ऑफ बाइंग यू हैव टू बी इन इंडिया. ओके, दैट इज द ओनली रूल विच इज देयर एंड यू शुड बी एन इंडियन रेसिडेंट. तो आप चेक इन कर चुके हो, 15 मिनट है, दैट इज ऑल इट टेक्स. आप आराम से खरीद सकते हो ट्रैवल इंश्योरेंस प्लान ऑलमोस्ट सारे कंपनीज के, आप ऑनलाइन खरीद सकते हो. एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ हैं, हरि प्रकाश जी इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं. हरि जी बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप. हरि प्रकाश जी सुन पा रहे हैं हमें? हाँ मैम जी, बताइए सर. मैम मुझे पूछना है कि मैंने आपके प्रोग्राम में कई बार सुना है कि 2-3 साल के अंदर अगर इंश्योरर की डेथ हो जाती है तो उसमें कंपनी स्ट्रिक्टली इंक्वायरी करती है. तो कंपनी सम अश्योर करते वक्त देते वक्त उसमें एनुअल इनकम देखती है, मेडिकल टेस्ट लेती है और ऊपर से ये भी कहती है कि 1 साल के बाद अगर सुसाइड कर लेता है तो भी हम क्लेम देंगे. तो मेरा मानना 1 साल के अंदर कंपनी इंक्वायरी करती है तो ठीक है, बनता है. 1 साल के बाद में फिर वो क्या इंक्वायरी करेगी और उसमें क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, ये मैजिक फॉर्मेलिटी है या क्लेम भी रिजेक्ट हो सकता है? Okay. कैसे भी डेथ हो, 1 साल जब आप सुसाइड पे ही दे रहे हो तो 1 साल बाद वो कैसे हमारे वो डिस्क्लोज करने वाली बात है. तो उसके अंदर फिर वो बंदा ना आप मेडिकल टेस्ट ले रहे हो तो उसमें फिर साथ सब कुछ आ जाता है. तो मुझे इस बारे में जानना. ओके, हमारे जो कॉलर हमसे बात कर रहे थे हरि प्रकाश, वो ये जानना चाहते थे कि जो सुसाइड केसेस होते हैं उसके केस में इंश्योरेंस कंपनी के क्या नियम है. इनका एक पर्सनल शायद कोई इंसिडेंट भी है तो क्या क्लेम के 1 साल बाद जांच करना सही है और जो जांच इंश्योरेंस कंपनीज करती है वो किस तरीके की होती है? तो अगर विद इन 1 ईयर ऑफ टेकिंग द पॉलिसी अगर सुसाइड है तो जनरली आपको क्लेम्स नहीं मिलते हैं. कुछ कंपनीज आपके प्रीमियम्स को रिटर्न कर देते हैं. बट अगर सुसाइड या कोई भी सॉर्ट ऑफ डेथ फर्स्ट 3 ईयर्स में हो तो अर्ली डेथ है तो काफी स्ट्रिंजेंट सा इन्वेस्टिगेशन किया जाता है कि अगर पाया जाता है कि इंश्योरेंस कंपनी से ये पॉलिसी इसलिए लिया गया है कि डेथ वॉज प्लान्ड या एक्सपेक्टेड है. बट इट इज जस्ट दैट कि स्ट्रिंजेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज, पता करते हैं कि हिस्ट्री क्या है, कोई कारण था, इन्होंने जानबूझ के ये प्लान लिया है कि नहीं, उतना ही होता है. ऐसा बहुत ही अजीब है कि डेथ के 1 साल बाद इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा हो. वो थोड़ा वियर्ड है और मुझे मतलब सर्कमस्टांसिस को थोड़ा बेहतर जानना पड़ेगा उनके स्पेसिफिक केस में ये क्या हुआ. बट आफ्टर डेथ 1 ईयर बाद अगर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहे हैं तो उसमें डेफिनेटली कुछ वियर्ड सा है. अगर ऐसा है भी दीपक केस तो क्या किया जा सकता है हरि प्रकाश जी की तरफ से, अगर कौन क्या स्टेप ले सकते हैं वो? तो फर्स्ट स्टेप तो यूजली अगर टर्म इंश्योरेंस है तो जनरली ओम्बड्समन से बाहर जाएगा तो इनको कोर्ट से जाने पड़ेंगे जहां इनको रिलीफ मिल सकता है. ऑफकोर्स पहले इंश्योरेंस कंपनी को कॉन्टेक्ट करे, मगर वहां रिलीफ नहीं है तो आई डोंट थिंक ओम्बड्समन कैन हेल्प हियर क्योंकि मेरे हिसाब से अमाउंट विल बी मच बिगर. तो कंज्यूमर कोर्ट या फिर उसके बाद सिविल कोर्ट इनको जाना पड़ेगा. ऑलराइट, थैंक यू सो मच दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए आज मनी गुरु के इस स्पेशल एपिसोड में. थैंक यू सो मच.